लोग देख रहे हैं प्रियंका सिंह 555। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ टेलीकॉम पाउडर के और भी एक्स्ट्रा यूज जो कि हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो इसे हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किस कामों के लिए यूज कर सकते हैं, चलो देख सकते हैं। मैं यहाँ पॉन्स का पाउडर यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है, आपकी फेवरेट, आप उसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट यूज मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आपको इसे अच्छे तरह से लेना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है, उसके बाद आप कोई भी मेकअप अप्लाई कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और बहुत ही सस्ता प्राइमर है, तो आप इसे प्राइमर की तरह भी यूज कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इस पाउडर को प्राइमर की तरह यूज करें। इससे क्या होगा, आपकी स्किन के पसीने और ऑयल कंट्रोल होंगे और मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है फाउंडेशन। आप जो यूज करते हो फाउंडेशन लीजिए और उसमें आप ऐड कर दीजिए पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स करके आप अपने अंडर आई पे अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और ये परफेक्ट कंसीलर का काम करता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज, आप इसे आईलेसेस प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना होगा पाउडर और आप फिंगर को डीप करिए और आईलेसेस पे अच्छी तरह से इसे अप्लाई करिए। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसमें मस्कारा अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी, साथ साथ आपके आईलेसेस भी बड़े दिखेंगे और बहुत ही अच्छा लुक आता है। लेसेस प्राइमर यूज करने से क्या होता है, आंखों की जो लेसेस होती है वो और भी लंबी दिखती है और बहुत इजीली अप्लाई होती है, लाइनर और लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके लिए आपको कॉस्टली आई लेसेस प्राइमर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इजी फॉर्मूला आप यूज करके देखिए, बहुत ही यूजफुल है। आप इसे ड्राई शैम्पू के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं या एक्सीडेंटली कहीं बाहर जाना होता है और आपके हेयर बहुत ज़्यादा ऑयली चिपचिपाहट है तो आप ड्राई शैम्पू बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करें और बालों के रूट में अच्छी तरह से आपको राउंड सर्कल में मसाज करें और पूरे बालों पर अप्लाई करें और बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्मूथ हो जाती है बाल और बाल की चिपचिपाहट सब खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छी हैक है, आप इजीली ड्राई शैम्पू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉस्टली ड्राई शैम्पू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही जल्दी काम करता है तो आप इसे ड्राई शैम्पू के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपकी बॉडी पे कहीं भी रैसेस आ जाती हैं या जिनके स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या पसीने या बॉडी के घर्षण की वजह से कहीं रैसेस आ जाती है, उधर आप अगर पाउडर यूज करते हैं तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, स्किन को ड्राई करता है और डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। तो आपके बॉडी पे रैसेस हो गई है, आप वहाँ पे अगर वो पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन करिए, ड्राई करिए, उसके बाद आप इस पाउडर को यूज करिए, बहुत जल्दी रिकवर होता है और रैसेस खत्म हो जाता है। अगर आप ज्वेलरी पहनने के बहुत शौकीन हैं, आपके घर में बहुत सारे चांदी के गहने हैं या चांदी के बहुत सारे ज्वेलरी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम उसे रखते हैं तो जब यूज करने जाते हैं तो काली पड़ चुकी होती है। अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज्वेलरी स्टॉक करके रखने जा रही हैं तो उसके पहले आप उसे अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए, ड्राई कर दीजिए और उस पर पाउडर को अच्छी तरह से अप्लाई करके रखिए। आपकी ज्वेलरी कभी काली नहीं पड़ेगी और हमेशा चमकती रहेगी। अगर आपके घर में कुछ इस टाइप के मटेरियल है जो रबड़ से रिलेटेड होती है, जैसे बच्चों की बेड आती हैं या कोई सीट आती है, या मैं ये हील गार्ड ली हूँ, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, इस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट होती है जब हम इसे क्लीन करते हैं ना तो इसमें चिपचिपाहट आ जाती है। आप देख रहे हैं कितनी सारी चिपचिपाहट है ये, और ये अजीब सी चिपचिपाहट होती है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक जाती है और उसमें थोड़ी गंदी स्मेल भी आने लगती है। तो अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है और आपको ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है तो अब आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है जो रबर टाइप की मटेरियल में आती है तो आप इसमें क्लीन करने के बाद आप अच्छी तरह से इसमें पाउडर को अप्लाई करिए। पाउडर को मैंने इसमें अच्छे तरह से पाउडर को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप देखिए इसकी चिपचिपाहट खत्म हो चुकी है, अब ये मेरे हाथों में भी नहीं चिपक रही हैं, ये एक दूसरे से भी नहीं चिपक रही हैं। कोई भी रबर मटेरियल के आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है उसे क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए, उसके बाद अच्छे तरह से पाउडर अप्लाई कीजिए, ना चिपचिपाहट रहेगी ना कोई किसी भी तरह की स्मेल रहेगी। तो ये था पाउडर से जुड़ा कुछ हैक ब्यूटी और घरेलू यूज के लिए। अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।